Hello students, good morning to all of you. In previous class we read about mass and weight. पिछले क्लास में हम लोग मास और वेट के बारे में पढ़े थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट बाई गिविंग अ टेबल. देखिए यहाँ पर एक कॉम्परेटिव टेबल है जिसमें हम मास और वेट के बीच डिफ्रेंशिएट किए हैं. द फॉलोइंग डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन मास एंड वेट एंड दे आर नंबर वन, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास. इफ वी टेक एनी ऑब्जेक्ट देन ऑफ विच मैटर इट इज कंपोज्ड ऑफ. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वह किस मैटर का बना हुआ है. सपोज वी टेक ए कॉपर बॉल, हम एक कॉपर का बना हुआ बॉल लेते हैं, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज कंटेन्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट और दैट बॉल. उस बॉल को बनाने में कितना ग्राम या किलोग्राम कॉपर लगा है, दैट इज इट्स मास. तो देखेंगे ये मास जो है क्या होता है भाई, किसी ऑब्जेक्ट में किसी मैटर का कितना क्वांटिटी लगा हुआ है ये बताता है. बट द फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है फोर्स होता है, और वह फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है. सपोज I am standing here. What is my weight? So by which force the earth is attracting me towards its center? That is my weight. और देखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. तो देखिए यहाँ पर सो द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाई द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट. सेकेंड डिफरेंस इज दैट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड एज वी नो दैट स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली. सो मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन. बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज व्हाट, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. वेट के पास डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है. यह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करता है, जैसा देखा आपने कि अर्थ जो है क्या करेगा किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है. तो यह बता भी दिए कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. सो हियर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड वन डायरेक्शन. थर्ड डिफरेंस इज दैट द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम डिनोटेड बाई केजी. मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है. अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का मास मिलीग्राम में या ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है. और देखिए यहाँ एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन डिनोटेड बाय एन. जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए वेट भी एक प्रकार का फोर्स है, इसलिए इसका क्या हो गया भाई, इसका भी एसआई यूनिट न्यूटन हो गया. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. नेक्स्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है हमेशा क्या होता है, अनचेंजेबल होता है. मान लिया जाए जैसे हमने कॉपर का एक बॉल की चर्चा की थी, मान लिया कि जो बॉल जो है कॉपर का बना हुआ है उसमें 1 kg कॉपर लगा हुआ है, तो ये जो है मास है उस ऑब्जेक्ट का. और वो कहीं पर जाइए यूनिवर्स के अंदर कहीं चले जाइए उसका मास वही 1 kg रहेगा. लेकिन वेट क्या है, फोर्स है, जिस फोर्स से अगर अर्थ पर है तो अर्थ उसको अटैक करेगा, अगर मून पर है तो जिस फोर्स से मून उसको अटैक करेगा उसका वहां पर वेट होगा. किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास हम निकालते हैं तो वह सेलेस्टियल बॉडी, ये बॉडी ह्यूज होगा. जैसे कोई प्लेनेट हो सकता है, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, कोई प्लेनेट है तो उसके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है. तो उस वो अपने ग्रेविटी से क्या करता है, अगर वहां जाएंगे ले जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, तो जिस फोर्स से खींचेगा उसका वेट कहलाएगा. तो देखिए यहां पर कहता है कि चूंकि
उसका अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा। मार्स का क्या है भाई, अति यहाँ पर देखें अर्थ का है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर अगर हम मून पर जाएंगे तो मून पर कितना है, मून पर है 1.6 क्या कहते हैं 1/6 ऑफ क्या हो जाएगा जी ऑफ द अर्थ। अर्थ के जी का 1/6 है और वो हो जाता है 1.63, तो 1.63 न्यूटन होता है। देखिए W इक्वल टू mg होता है, तो जो मास रहेगा उसमें g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अर्थ पर कितना होगा, मान लिया जाए कि 1 किलोग्राम का बॉल जो था कॉपर का, तो उसका वेट अर्थ पर कितना होगा, m इंटू 1 × 9.8, मतलब 9.8 क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा उसका। अगर उसी बॉल को अगर हम ले जाएंगे मून पर, तो मून पर कितना होगा उसका वेट, तो उसका मास तो 1 किलोग्राम है, तो 1 × 1.63, तो जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसका वेट वहां पर हो जाएगा, मतलब 1.63 न्यूटन हो जाएगा। तो अर्थ पर जो वेट रहेगा मून पर, अर्थ पर वेट का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू मून पर जो है अर्थ का 1/6 है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट देखेंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो उसमें लगा हुआ है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी जीरो, कारण है देखिए W इक्वल टू mg होता है। अगर कोई ऐसा प्लेस है जहां पर जी का वैल्यू जीरो हो जाए, m तो जीरो नहीं होगा, मास तो चूंकि उसमें मैटर लगा हुआ है तो रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी क्या होगा, देखिएगा अर्थ के सेंटर पर जानते हैं कि जी का वैल्यू जीरो होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सेंटर पर लिए चले जाएं तो क्या हो जाएगा, मास तो उसका 1 kg था, तो 1 × 0 = 0 न्यूटन। तो अर्थ के सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट हो, आइदर इट इज वेरी बिग और वेरी स्मॉल, इट्स वेट इज 0 न्यूटन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए हमने कि वेट जो होता है जीरो हो सकता है, लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन बाई अ बीम बैलेंस। देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग सब्जी ये सब खरीदने जाते हैं, तो ये देखिए बीम बैलेंस है, यहाँ पर दो पैन लगे होते हैं, एक पर बटखारा रखता है एक पर सामान रखता है। तो ये जो है आपका ये मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का, ये क्या होता है बीम बैलेंस द्वारा लिया जाता है। बट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन बाई अ स्प्रिंग बैलेंस। देखेंगे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें देखिए इसको हुक को कहीं से हम माने अटैच कर देंगे, और देखिए ये नीचे भी हुक रहेगा, यहाँ देखिए ये स्केल यहाँ पर बना हुआ रहता है और यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है। तो क्या होता है, जब इसमें हम ऑब्जेक्ट को लटकाते हैं तो इंडिकेटर नीचे मूव करता है और यहाँ पर स्केल से पता चलता है कि उसका कितना वेट है, कितना न्यूटन वेट है। सो द वेट इज टेकन बाई दिस स्प्रिंग बैलेंस। सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन मास एंड वेट। टूडे वी हैव कॉम्प्लीटेड 6 months कोर्स ऑफ फिजिक्स। यू हैव टू डू होमवर्क डेट बाई डेट एंड लर्न दीज ऑल फैक्ट्स। थैंक यू।